खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पहले कोरोना का कहर और फिर लॉकडाउन, कोरोना से जंग के बीच सवाल बच्चों के भविष्य का भी है, क्योंकि अकेले राजस्थान में 13 लाख से ज्यादा प्रवासी लौटे हैं। प्रवासियों के साथ उनके बच्चे भी इस मुसीबत की घड़ी में वापस आ गए। अभी नहीं, बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह बाहरी राज्यों में पढ़ाई और फिर अचानक घर वापसी। इस अचानक घर वापसी की वजह से बच्चे अपनी मार्कशीट और किताबें भी लेकर नहीं आए। वापसी के कारण बाहरी राज्यों में ये बच्चे ड्रॉप आउट भी हो चुके हैं और अब अपने प्रदेश में स्कूलों में दाखिला लेना बड़ी चुनौती है। वहीं सरकार के पास आंकड़े भी नहीं कि कितने बच्चे वापस आए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदारी सरकार की है, शिक्षा विभाग की है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से प्रवासी बच्चे वापस लौटे, इनकी संख्या कितनी, अब उनके सामने चुनौती क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना और लॉकडाउन के कारण पिछले 4 महीने में प्रदेश में बाहरी राज्यों से लाखों मजदूरों की वापसी हुई है। इनमें लाखों लोग अपने साथ अपने बच्चों को लेकर भी आए हैं। वापसी के चलते बच्चे संबंधित राज्यों के स्कूलों में ड्रॉप आउट भी हो गए हैं और इन बच्चों को अब स्कूलों में प्रवेश देकर फिर से शिक्षा से जोड़ना बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल लॉकडाउन के बाद देश भर में प्रवासी मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन हुआ। सरकारी पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार 13.14 लाख प्रवासी मजदूर अकेले राजस्थान में वापस आए हैं। अगर जल्दी कोई एक्शन प्लान नहीं तैयार किया गया तो कहीं ये लाखों बच्चे हमेशा के लिए स्कूल से वंचित न रह जाएं। देखिए, वो तो जब प्रक्रिया चालू होगी एडमिशन की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में उन सब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो हमारी आरटी के तहत जो एडमिशन है, उस प्रक्रिया में भी अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं तो उसमें भी वो भाग ले सकते हैं। तो सब तरीके से एक भी बच्चे को शिक्षा से वंचित हमारी सरकार के द्वारा नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना के कारण पलायन कर चुके मजदूर परिवार वापस लौट तो आए हैं, लेकिन यातायात सुचारू रूप से शुरू नहीं होने के कारण अपना पूरा सामान लेकर नहीं आ सके। ये परिवार बच्चों की किताबें या पिछले साल की मार्कशीट भी साथ नहीं ला सके, और तो और कोई फोन नंबर ना होने की वजह से इन परिवारों से संपर्क करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इन्हें फिर से स्कूल से कैसे जोड़ा जाएगा, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। और इससे जुड़े भी कई सवाल हैं, जैसे प्रवासियों के कितने बच्चे लौटे इसकी जानकारी क्यों नहीं, इन बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का ठोस प्लान क्यों नहीं, ये बच्चे ड्रॉप आउट हुए तो इनके एक साल की भरपाई कैसे होगी, प्रवासियों से संपर्क के लिए डेटा बैंक क्यों नहीं तैयार हुआ, भविष्य में ऐसे हालात ना बने इसके लिए क्या कार्य योजना बनी है। सरकार की तरफ से बेशक प्रवेश प्रक्रिया 14 अगस्त तक बढ़ाई गई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रवासी मजदूरों के साथ कितने बच्चे लौट कर आए हैं इसका डेटा ही विभाग के पास नहीं है। ऐसे में सरकार का दावा कैसे यकीन में तब्दील होगा, इस पर संशय बहुत बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो सवाल बहुत से हैं, लेकिन उन तमाम सवालों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, एक साल इनका बर्बाद ना हो इसके लिए सरकार के पास क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ एग्जीक्यूशन के लिए प्लान तैयार किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी, साथ में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज जी। वासुदेव देवनानी जी, सर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में वो कौन सा प्लान विपक्ष के पास मौजूद जिससे बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके, एक साल बर्बाद होने से बचाया जा सके, और सरकार को वो कदम उठाना चाहिए। इस समय जब से कोरोना प्रारंभ हुआ और प्रवासी अपने प्रांत में लौटने लगे, सरकार को उसी समय ही इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए था, एक हेल्पलाइन जारी करनी चाहिए थी कि कौन कौन परिवार लौटा है, इनके कौन कौन से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, वो यहाँ आकर के किस कक्षा में पढ़ाई करेंगे। लेकिन सरकार सोती रही, ये तो केवल अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा इस पे सरकार इस समय बिल्कुल एक तरह से सोई हुई है और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। इसमें जो होना चाहिए कि तत्काल एक हेल्पलाइन जारी करें कि उन किन किन प्रांतों से कौन कौन लौटे हैं प्रवासी,
और उनके कौन कौन से कितने बच्चे हैं, वो बच्चे कौन सी कक्षा पास करके आए हैं, किसके पास मार्कशीट है, किसके पास नहीं है, एक बायोडेटा कर लेकर के जब सरकार पे आएगा और फिर किस ज़िले में कितने हैं, किस शहर में कितने हैं, किस गांव में कौन बच्चे आए, क्यों स्कूल में एजुकेशन उसी गांव में लेंगे या उसी पंचायत में लेंगे या उस ज़िले में लेंगे, उसका जब तक ये डेटाज नहीं होगा डाटा बैंक, तब तक इसमें कहीं भी नेक्स्ट स्टेप उठाना कठिन होगा, नंबर वन जी। नंबर टू, वो जिस प्रांत से आए हैं उस प्रांत की जो कक्षा थी वो राजस्थान के स्तर के साथ वो कैसे मेल खाएगी, इस पर भी शिक्षाविदों के साथ बैठ करके कहीं ना कहीं एक प्लान बनाना पड़ेगा कि तो इक्विवेलेंट कौन सी कक्षा है। वहाँ भी मान लो कोई बिहार से बच्चा आया है या कोई केरल से बच्चा आया है या महाराष्ट्र से बच्चा आया है, वहाँ का करिकुलम और यहाँ के करिकुलम ऐसे स्टेट वाइज कहीं ना कहीं तैयार करना पड़ेगा जिसके इक्विवेलेंट हमारा बालक वहाँ का बालक होगा। फिर उस पर यदि लोकल कोई आवश्यक है उस सब्जेक्ट की कोई तैयारी करवानी है तो वहाँ के शिक्षक उसको तैयारी करवा के और उसके इक्विवेलेंट ला करके उसको उस कक्षा में एडमिशन देना होगा। ये तो मिनिमम आवश्यक है कि इस आधार पे हमको आगे बढ़ना होगा, उन बच्चों का जीवन न बढ़े। देवनानी जी वापस मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज जी जुड़े हैं। सत्येंद्र भारद्वाज जी, मान लिया कि लाइन को आगे बढ़ा दिया गया, डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया, 14 अगस्त कर दी गई, लेकिन जो वासुदेव देवनानी जी कह रहे हैं अगर उनको एग्जीक्यूट करना है तो फिर 14 दिन बहुत कम है, तो ये बताइए सरकार ने इस पूरे मामले में अभी तक क्या किया। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वासुदेव देवनानी जी इस महत्वपूर्ण विषय पे को भी राजनीतिकरण कर रहे हैं, सरकार बचाने में लगे रहे। मैं उनसे उनके तजुर्बे को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने संवेदनशील महत्व के विषय को वो राजनीतिकरण के साथ नहीं जोड़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा जी ने प्रवेश जो प्रक्रिया है उसका 14 अगस्त तक सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार बहुत चिंतित और संवेदनशील है इस सारे मामले को लेकर। यहाँ मैं जरूर ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन लगाया देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने रात को आनन फानन में आके 8 बजे, ये प्रधानमंत्री जी को उस वक्त सोचना चाहिए था कि वो एकदम से लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं। लॉकडाउन की प्रक्रिया अगर वो थोड़े समय रोक के करते, जो उस वक्त इतनी भयावहता नहीं था कोरोना की, कोरोना की शुरुआत थी, कोरोना की शुरुआत के ऊपर ही उन्होंने आनन फानन पे आके, जिस तरह उनका एक नेचर है कि वो आनन फानन में आके डिसीजन लेते हैं, चाहे नोटबंदी की बात कर लें चाहे और किसी तरह की बात कर लें, तो अगर वो 2-4 दिन का समय देके सारी चीज़ें करते तो जैसे देवनानी जी बता रहे हैं कि वो बच्चे अपनी मार्कशीट छोड़ा है या अपनी किताबें छोड़ा है, तो उनको एक समुचित समय मिल जाता वो अपनी सारी चीज़ों को अवेयर के लेके आने के लिए। भारद्वाज जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं बहुत सीधा सवाल आपको कर रहा हूँ सर, क्योंकि मार्च में लॉकडाउन लग गया था जी, अप्रैल निकल गया है, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गई है जी, ये 4 महीने तो सरकार के पास ही थे। जो पलायन होना था मैक्सिमम अप्रैल में हो चुका है सर। मेरा सवाल यह है कि ये अभी तक डाटा तैयार क्यों नहीं किया गया कि जो बाहरी थे जो अब वापस अपने राजस्थान लौट गए, अब ये तो मान रहे होंगे जो राजस्थान के बाहर काम कर रहे थे अगर वो राजस्थान लौट गए उनकी जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं बिल्कुल, ये तो मान रहे होंगे, बिल्कुल निश्चित, बच्चों की जिम्मेदारी भी सरकार की है ये भी मान रहे होंगे सर, बिल्कुल निश्चित। राजस्थान अभी तक एक डेटाबेस तैयार क्यों नहीं किया गया, मेरा सवाल ये है सर। आप मुझे एक बार बोलने का मौका देंगे सर, बताइए। मुझे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय लोकल जो हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब की उनकी नीतियों पे उनके कार्यों पे पूर्ण विश्वास है। आदरणीय लोक गहलोत साहब जो इस तरह का कोरोना से महामारी को लेकर लड़े हैं, तो उन्होंने, मैं आपको जो डेटा की आप बात कर रहे हैं, 13,14,760 परिवार राजस्थान के अंदर पलायन करके आए हैं, ये डेटा हमारे पास में आ चुका है, आज अखबारों में भी छपा हुआ डेटा। इनके साथ के साथ जो हमारी दूसरी प्रक्रिया है कि बच्चे कितने आए हैं उसके भी हम डेटा इकट्ठे कर रहे हैं, और निश्चित रूप से राजस्थान की जो सरकार है, सत्येंद्र भारद्वाज जी, अगर ये डेटा तैयार किया जा रहा है सर, तो फिर क्या मैं मानकर चलूं कि 14 अगस्त जो डेडलाइन तैयार की गई है उससे पहले डेटा भी तैयार हो जाएगा, उनके साथ टेलीफोनिक बातचीत भी हो जाएगी, उन बच्चों को स्कूल भी पहुंचा दिया जाएगा, ये सरकार कर लेगी, 14 दिन बहुत है इसके लिए। मैं कहता हूं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उन सब बच्चों को 14 दिन के अंदर हमारे पास में पूरा इसका एक्शन प्लान है, हमारे मंत्री महोदय ने भी इसके बारे में बोला है। अच्छा, अभी तक क्या एक हेल्पलाइन नंबर तक जारी किया गया कि आप इस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लीजिए? बिल्कुल, आप जल्दी हेल्पलाइन नंबर भी आपको मिलेगा, उसकी वेबसाइट भी आप लोगों को मिलेगी। 4 महीने हो गए सर, 4 महीने हो गए, पीड़ा को समझिए सर, राजनीति का मुद्दा नहीं है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए सर, इस पे राजनीतिकरण। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष है राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के। विपिन जी, बहुत सीधा सवाल मैं कर रहा हूं सर, क्योंकि बच्चा राजनीति का मुद्दा इसलिए नहीं क्योंकि वो वोट बैंक नहीं, 4 महीने हो गए, एक डेटाबेस ऐसा तैयार नहीं किया गया जिसे पता चल सके कि बाहर से कितने राजस्थान के बच्चे वापस प्रदेश में लौट आए हैं, वो किस किस कक्षा के हैं, उनको कहां कहां एडमिशन देना है, कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं, 14 अगस्त डेडलाइन है, कैसे उन बच्चों का एडमिशन होगा?
सर ऐसी बात नहीं है, जब जब से लॉकडाउन चालू हुआ उसके पहले ये था, लॉकडाउन में जब कोरोना था जीवन बचाने के लिए क्या उपाय करने हैं थे उसमें सरकार लग रही थी, और शिक्षक करीब 2 लाख शिक्षक उसमें ड्यूटी दे रहे थे, करीब 2 माह तक उन्होंने चिकित्सकों के साथ मिलकर पुलिस वालों के साथ मिलकर वो ड्यूटी निभाई, नाके पे ड्यूटी निभाई, उन्होंने सर्वे किया, कोरोना का सर्वे किया। उसके बाद जैसे ही 24 जून से स्कूल खुले तो सरकार ने एक परफॉर्मा दिया है कि और उन बच्चों को ढूंढने के लिए जो प्रवासी बच्चे हैं जो 18 लाख श्रमिक आए उनके लिए परफॉर्मा दिया है, और शिक्षक घर घर डोर टू डोर और उन जहां पर वो रह रहे हैं जहां बस्ती है उसको सही करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास आंकड़ा है 13 लाख श्रमिकों का, आप कह रहे हैं 18 लाख वापस आए, 5 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है जो समाचार पत्रों के माध्यम से, ये मेरे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। अब 31 जुलाई तक हमें वो काम करना है, शिक्षक डोर टू डोर सर्वे में जा रहा है और जहां बस्तियां में जो श्रमिक आए हैं जैसे किसी सूचना मिलती है वहां से भी वो अपना सर्वे कर रहा है, तो ये 31 जुलाई तक हम अपना सर्वे मतलब कल तक। सर 31 जुलाई ऐसा लग रहा है बहुत दूर है, कल तक। हाँ कल तक काम करना, एक 24 जून से काम कर रहे हैं जी, 24 जून से काम, 31 जुलाई हमारी लास्ट डेट है, सबने डाटा अपना कर दिया, फीडिंग में चला गया है, तो एक्यूरेट डाटा अगस्त में आ जाएगा कि कितने श्रमिक आए, उनके कितने बच्चे आए। अच्छा मुझे ये बताइए 31 जुलाई तो इसके लिए डेडलाइन है कि सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार करनी है, आपने जो कहा मैं उसको मान लेता हूँ जी, फिर जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार होंगी जी, फिर शिक्षा विभाग में एक आकर रिपोर्ट कंपाइल होगी जी, उसके बाद फिर ऑर्डर डिस्प्यूट होंगे जी, फिर बच्चों के एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगी। आप एक शिक्षक हैं, इसके लिए 14 दिन काफी हैं? सर अभी समय स्कूल लग ही नहीं रहा, बच्चे नामांकन के लिए बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, करीब 10% बच्चे ही नामांकन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब 31 अगस्त तक बढ़ गया, उन्हें पता है कि अगले सितंबर तक भी नहीं होना, तो नामांकन प्रक्रिया तो चलती रहेगी, जब स्कूल प्रॉपर खुलेंगे जब ही कुछ गार्जियंस आएंगे, और कुछ अस्थायी रूप से श्रमिक उन्हें है कि अपने वापस वहीं जाना है, कोई महाराष्ट्र आए तो उसे लगता है कि खत्म हो जाएगा तो हम महाराष्ट्र चले जाएंगे, हमें एडमिशन ही नहीं लेना। सबसे बड़ी समस्या ये आएगी ड्रॉप आउट की, जो 20 लाख श्रमिक यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए, जैसे बिहारी महाराष्ट्र वो चलेगा, उनके बच्चों का जो ड्रॉप आउट आएगा वो सबसे बड़ी समस्या आएगी, जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन एक्चुअल सिचुएशन हमें पता पड़ेगी। जो हमारे पास बच्चा है 84 लाख बच्चा पिछले साल तक था स्कूलों में, वो बच्चा कितना चला गया, जैसे सरकार के मोटे आंकड़े के अनुसार करीब 20 लाख श्रमिक बाहर जा चुके हैं, उनके कितने बच्चे चले गए, वो ड्रॉप आउट सबसे बड़ी समस्या होगी कि वो स्टेट, हम ये मान रहे मतलब जो बाहर के बच्चे, जो बाहर के प्रदेशों के बच्चे हमारे यहाँ थे वो अगर अपने प्रदेश लौट गए तो उससे ड्रॉप आउट की समस्या बड़ी हो गई, बिल्कुल। लेकिन बाहर के राज्यों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे राजस्थान के वो वापस आ गए, वो समस्या नहीं है। अब ये कह रहे हैं सर, नहीं, कमाल करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वासुदेव देवनानी जी, वासुदेव देवनानी जी, सर सुनने में आए कि आपने बहुत से सजेशन दिए थे और उन सजेशन को शिक्षा नीति में लागू किया गया जिसको कल जारी कर दिया गया, कुछ इस तरीके के सजेशन भी दिए क्या सर जी, कि अब आगे क्या होगा कोरोना के बाद? आप तो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि पलायन कितनी तेजी से हुआ है, बच्चों के भविष्य को लेकर कोई सजेशन केंद्र सरकार को भी दिए कि आप वहीं से गाइडलाइन जारी कर दीजिए? जी इस ये राज्य जो है, शिक्षा जो है वो राज्य और केंद्र दोनों का विषय है जी, और इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय होना चाहिए, जो हमारे प्रांत में 13 लाख आए हैं प्रवासी, उनके बच्चों की एजुकेशन की चिंता होनी चाहिए, जो यहाँ से गए हैं उनके तो उनके प्रांतों में चिंता निश्चित रूप से हो रही होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन हमारे प्रांत में जो है, अभी शिक्षा मंत्री कह रहे थे साहब हम आरटी में उनके बच्चों का एडमिशन देंगे, अरे आरटी की तो लॉटरी यार निकल गई, वो तो उससे वंचित रह गए, आपने कभी समय पर जगह नहीं, इसीलिए वो छोटे बच्चे तो वंचित हो ही गए राजस्थान में, और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में कोई समिति बना करके उसके इक्विवेलेंट, वहां के 9वीं का बच्चा यहां के 10वीं में एडमिशन कैसे लेगा, कोई 11वीं का बच्चा होगा 10वीं के बोर्ड की वहां की परीक्षा का विषय है, उसकी वहां पे साइंस है आर्ट्स है क्या विषय है, यहां पे 12वीं में उसको प्रवेश कैसे होगा, कि पहली दूसरी तीसरी के एडमिशन का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है हर क्लास का, उसके क्लास के लिए निश्चित रूप से एक छोटे समूह की कोई बैठक करके और आगे बढ़ना होगा, उनको उसके इक्विवेलेंट एडमिशन देना होगा। ये तो मैं स्कूल शिक्षा की बात कर रहा हूं, यदि हायर एजुकेशन में जाएंगे कौन से किस यूनिवर्सिटी का बच्चा आया है उसके वहां के क्या मापदंड है, उन सब पे भी विचार होना चाहिए था, ना तो स्कूल के बच्चों का। देवनानी जी, देवनानी जी, आपके हर शब्द के साथ दर्द छलक रहा है कि बच्चों के भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये चिंता क्या अभी तक प्रदेश सरकार के सामने बीजेपी ने रखी? बतौर पूर्व शिक्षा मंत्री आपने वर्तमान शिक्षा मंत्री को कब ये लिख कर दिया कि ये समस्या आगे विकराल होने वाली है, आप प्लीज जाग जाइए और ये मेरे सजेशन है, इनको अपना लीजिए। मैं
मैंने शिक्षा मंत्री जी को इस पर पूरे कोरोना के दौरान 3 पत्र लिखे जी। वर्तमान राजस्थान की शिक्षा में कोर्स कैसे कम किया जाए, क्लासें कैसे शुरू हों, प्रवासी जो आएंगे उनके क्या किया जाना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए, ऐसे कुछ मैंने उनको पत्र लिखा है। और जैसे 33% कोर्स कम किया जाए से लेकर के मैंने उनको सुझाव दिया जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र भी किया है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा उनके पास समय निकाल के इस समय प्रवासी बच्चों के प्रति सरकार संवेदनहीन है, किसी प्रकार का कोई नहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से उनसे मैं अपील करना चाहूंगा, राजनीति राजनीति करते रहो, सत्ता बचाते रहो या जो भी करना है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। तत्काल आप हेल्प नंबर ज्वाइन करो, बच्चों का उस हेल्प नंबर पे नंबर लेकर के उन बच्चों के एजुकेशन के इक्विवेलेंट तत्काल आपको निर्णय करके घोषित करो। और स्कूल के इन स्कूलों को कहो, प्रिंसिपल्स को, हेडमास्टर्स को, कि बिना टीसी के एक बार उनका एडमिशन भी करना शुरू करें, ताकि जैसे हम कहते हैं किसी का बिना टीसी के भी, हमारे समय हमने सरकारी स्कूलों में एडमिशन देना शुरू किया था, उस बिना टीसी के एडमिशन करें, निःशुल्क करें, और उनसे किसी प्रकार की कोई फीस, क्यों पहले से ही वो परेशान है, उनसे किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाए, इस प्रकार के कुछ आदेश जारी तत्काल करेंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ को थोड़ा बहुत न्याय हो पाएगा। ठीक है सत्येंद्र जी, आप सवाल का जवाब देना चाह रहे थे, सवाल का जवाब भी आप दीजिए। और कुछ तो अच्छे सुझाव है सर, राजनीति को एक साइड में रख देते हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये तो हो ही सकता है कि सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाए, दूसरा ग्राम स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको एक्टिव कर दिया जाए कि आप देखिए वहां पर कौन कौन प्रवासी आया, या सरपंच को ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप एक डाटा इकट्ठा कीजिए, तुरंत उसको कीजिए, और स्कूल में बिना टीसी के एडमिशन एक बार तो करा दीजिए, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि एडमिशन प्रोसेस के अंदर एक प्रोविजनल एडमिशन का एक प्रोसेस होता है, किसी के पास अगर कोई पेपर्स नहीं है तो वो बाद में अपना समय आने पे उनको दिखा सकता, हम इस प्रोविजनल एडमिशन के तहत उनको प्रवेश देंगे, पहली चीज। आज अनलॉकडाउन 3 का एक जो मैप आया है, गाइडलाइन आई है, उसके अंदर विद्यालयों और कॉलेजों को 31 अगस्त तक बंद किया गया है, हम प्रवेश दे देंगे, प्रवेश देने में सरकार बिल्कुल देरी नहीं लगाएगी। देवनानी जी जैसे बता रहे थे निःशुल्क, हमारे मंत्री जी ने अभी 2 मिनट पहले आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा और मेरे को जानकारी मिली है कि उन्होंने खुद ने स्वयं ने कहा है कि हम उनको निःशुल्क एडमिशन देंगे। आरटी की जो बात कर रहे थे देवनानी जी की, उसकी लॉटरी निकल गई वो एक अलग बात है, अगर विषम परिस्थितियों में नई लॉटरी के लिए और गवर्नमेंट निकालना चाहेगी तो निकालेगी, देवनानी जी को चिंता नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। बच्चों में आरटी में 25 फीसदी आप 25 फीसदी दे सकते हैं, राजस्थान सरकार इसको 25% को आगे भी बढ़ाने के लिए विचार कर सकती है विषम परिस्थितियों के। सर मैं चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि देवनानी जी भी इससे एग्री करेंगे, मेरा सवाल यह है कि क्या एक सर्कुलर जारी किया जा सकता है जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा जाए कि किसी भी बच्चे के एडमिशन को लेने से इनकार नहीं किया जा रहा है, चाहे उसके पास पत्र है, डॉक्यूमेंट है या नहीं, ये तो जारी किया जा सकता है। करेंगे देवनानी जी, चिंता मत करो, अनलॉकडाउन जो थर्ड आपने दिया उसमें तो स्कूल तो अगस्त तक बंद कर दिया आपने जी। अभी मेरे साथी वक्ता बता रहे थे कि जो बाहर के राजस्थान से, अरे पहले बाड़े बंदी से बाहर तो आ जाओ, अरे राजनीति मत करिए देवनानी जी, देखिए राजनीति बयान नहीं, राजनीति मत करिए, मैं बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ इस डिबेट को कर सत्येंद्र जी, सर सुनिए सर, सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं बहुत सिंपल सवाल आपसे कर रहा हूँ सत्येंद्र जी, कम से कम ये सर्कुलर तो जारी किया जा सकता है कि जिसका भी बच्चा बाहरी राज्यों से प्रदेश में आया है, बिना डॉक्यूमेंट के वो अपने नजदीकी सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन ले ले, बिल्कुल ये तो किया जा सकता है, बाद में डॉक्यूमेंट चलते रहेंगे। 2 मिनट पहले बोला प्रोविजनल एडमिशन का एक प्रोसेस है, वो हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, राजस्थान सरकार में आपसे जानना चाहूंगा सर, मैं बिल्कुल हो जाएगा, ये तो हो सकता है, क्योंकि जो गरीब तबका है उसको इन सब चीजों की जानकारी नहीं कि प्रोविजनल क्या होता है, कैसे एडमिशन होता है, उसको मोटे शब्दों में बता दें कि आपके पास बच्चे के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप नजदीकी सरकारी स्कूल में जाइए एडमिशन ले लीजिए, बाद में देखा जाएगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो सर्वे चल रहा है उसमें हम एडमिशन के लिए ही उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप स्कूल में एडमिशन करो, और प्रोविजनल एडमिशन हम दे रहे हैं बिगर डॉक्यूमेंट्स के लिए जी उस बच्चे को। पर सबसे बड़ी समस्या ये गार्जियन के सामने ये है कि वो अपना घर छत यहाँ रोके और अपनी आजीविका चलाए, उसको पढ़ाई सेकेंडरी थिंग लग रही है, पढ़ लेंगे साहब बच्चे तो पहले रोटी रोटी का इंतजाम हो जाए, जब सर्वे में हमारा टीचर जा रहा है वहां सबसे बड़ी समस्या यार साहब आजीविका के साधन पहले डेवलप हो जाए, हमारा ही पता नहीं कि हम यहाँ रुकेंगे या वापस जाएंगे, क्योंकि कुछ जो बाहर की फैक्ट्री
फैक्ट्रीज है वो वापस उनको लेके जा रही है, तो अभी उनका डिसाइड नहीं है, स्कूल खुले नहीं है तो स्कूल खुल जाए और फिर ये स्थिति आए तो सोचनी एक बात है। स्कूल का अभी पता ही नहीं है कि सितंबर में खुलेंगे या अक्टूबर में खुलेंगे, तो वो कहते हैं अभी हम आजीविका कर रहे हैं, 10% बच्चे आ भी रहे हैं, एडमिशन ले भी रहे हैं, प्रोविजनल दे भी रहे हैं, पर उनका नामांकन रहेगा या नहीं रहेगा वो उसके गार्जियन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो यहाँ रुकेगा या वापस अपने पलायन कर जाएगा जहाँ पूर्व में वो अपना आजीविका के लिए काम कर रहा था। जी आप ये मान रहे हैं कि ये साल बच्चों का बर्बाद ही होगा, ये मान रहे हैं कोरोना के हिसाब से जो वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं उसी हिसाब से ये लग रहा है कि कोर्स एनसीईआरटी सीबीएसई ने भी कहा है कि अगर 2 महीने लॉकडाउन रहेगा तो 25% कोर्स खत्म होगा, अगर 3 महीने रहेगा 30%, तो उन्होंने भी गाइडलाइन बना रखी है अगर 6 महीने लॉकडाउन रहेगा तो कोर्स 30% आएगा, इस तरह के उसी अनुपात में चल रहा है। कोई भी ये नहीं कह सकता इसी परिप्रेक्ष्य में कब कोरोना खत्म होगा और कब स्कूल सुचारू रूप से चालू हो पाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी है कि लोगों को अपना जीवन बचाने के लिए, और सेकेंडरी थिंग उनकी आजीविका की चीज है, बाद में ये चीज है। और बात में करूं आरटी की, जो लॉटरी निकली है, पिछली सरकार ने 1 लाख की लिमिट रखी थी, इस सरकार ने 2.5 लाख की लिमिट करी है जिससे आवेदन बढ़े, निश्चित रूप से सरकार अच्छा कर रही है। और इस बार आवेदन 8 लाख से ज्यादा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आवेदन 8 लाख से ज्यादा इस बार है, लेकिन विपिन जी एक और सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। सवाल मेरा यह है विपिन जी, जैसे कि फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर में प्रमोट किया गया, सेकंड को थर्ड ईयर में प्रमोट किया गया, बच्चे को भी प्रमोट कर दिया जाए अगर ऐसी समस्या आ रही है, लेकिन यहां समस्या ये आएगी अगर ऐसा किया गया तो जो प्राइवेट स्कूल है उनका आर्थिक ढांचा बर्बाद हो जाएगा। प्रमोट तो स्कूलों में कर ही दिया, एग्जाम हुए ही नहीं मार्च के बाद, सबने अपने अपनी अगली क्लास में प्रमोट कर दी। तो पिछली क्लास इस बार प्रमोट हुई है ना, लेकिन अभी भी कहां क्लासेस चल रही हैं? अब वो क्लासेस तो जब अभी शुरुआत देख के कैसे प्रमोट करते, अभी तो 2 महीने, अब 2 महीने अगर हो सकता है कि 1 सितंबर से स्कूल खुले तो हमारी छुट्टियां कम कर दें, जो हमारे कैलेंडर में जो छुट्टियां उसको कम करके वो वापस 210 दिन लगाने के लिए शिक्षक तैयार है और बच्चा सिलेबस पूरा कराने के लिए तैयार है। सीबीएसई गाइडलाइन है उसमें सिलेबस कम करने के लिए कह दिया है, तो वो सिलेबस हम कम कर लेंगे, अपनी छुट्टियों को हटा देंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, पर कोई डिसाइड ही नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड कि क्या होगा और कब होगा, ये डिसाइड नहीं है। एक प्रश्न चिन्ह लगा पड़ा, इस वजह से जो बच्चे हैं वो भी स्कूलों की तरफ नहीं देख रहे, जो सबसे बड़ी समस्या पूर्व के जो बच्चे हैं वही हमारे पास नहीं आ रहे जी। जब पता पड़े जब स्कूल खुले, ठीक है। वासुदेव देवनानी जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि वाकई में समस्या तो गंभीर है, जो मजदूर राजस्थान लौटा है आजीविका की समस्या उसके सामने है, वो परिवार ये सोच रहा है कि अगर उसको महाराष्ट्र में वापस जाना है तो फिर वो वहां जाकर बच्चे का एडमिशन वापस करा लेगा, तो सरकार के पास एक कंसाइज एक ऐसा क्या मैनेजमेंट हो कि वो इन चीजों को मैनेज कर पाए? अजी सरकार एक मेरा मेरा स्पष्ट धारणा है कि एक बार आप जो है हेल्पलाइन नंबर ज्वाइन करो, बच्चों की डिटेल्स ले लो और उनसे आग्रह करो कि अपने लोकल स्कूल में एडमिशन करा दे। मान लो किसी कारण वो धारवर्ष जाते हैं, बीच में भी कुछ लोग चले ही जाते हैं तो जाना होगा जिनको, वो बाद की स्थिति डेवलप होगी, अभी कम से कम उनका साल भर बचे। और जहां तक ये कह रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, तो पता नहीं जो भी चलेगा सिस्टम सबके साथ बच्चों के साथ होगा वो इनके साथ ही होगा, पहले किसी स्कूल में एडमिशन तो हो जाए ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि मेरा बच्चा यहाँ इस कक्षा में पढ़ेगा और उसको जो कुछ किताबें हैं उसकी व्यवस्था होगी, इतना आश्वस्त हो जाए। ठीक है सर, तत्काल ठीक है, आपने अच्छे सुझाव दिए हैं, उम्मीद करेंगे इन सुझाव में से कुछ को मान लिया जाए। सत्येंद्र भारद्वाज जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दीजिए कि जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी समस्याओं को सुलझा ले, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि देरी करने की जरूरत। नहीं, मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी अतिशीघ्र इस पे हेल्पलाइन नंबर जारी कर देंगे। राजस्थान के अंदर जो आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार चल रही, जिसने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को राजस्थान में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है, तो शिक्षा की बात हो या मजदूर के कल्याण की बात हो या बच्चों की और की बात हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान के अप्रवासी जो मजदूर यहाँ आए हैं उनका हर तरह से, उनकी शिक्षा के अलावा उनके रोजगार तक की मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अशोक गहलोत जी की सरकार इस पे बहुत ज्यादा चिंतित है और वो अच्छे रिजल्ट्स लाके देगी। विपिन शर्मा जी मुझे लगता है इससे तो शिक्षा विभाग या फिर शिक्षकों को भी दिक्कत नहीं होगी, एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा तो उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हेल्पलाइन नंबर जारी करे सरकार कोई दिक्कत नहीं है, पर वो प्रवासी मजदूर जो अखबार लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ हेल्पलाइन नंबर देगा, जब 65,000 स्कूलों के गांव गांव ढाणी में हर घर में शिक्षक पहुंच रहा है उससे बेटर हेल्पलाइन क्या होगी? बड़ी हेल्पलाइन क्या होगी? अपना परफॉर्मा लेकर आए, कहाँ से आए हो, किस किस क्लास में बच्चा पढ़ता है, वो सूरी सूचना इकट्ठे कर रहा है, उससे बेटर हेल्पलाइन तो हो नहीं सकती। तो फिर आप ही बता दीजिए कितना वक्त लगेगा इन डॉक्यूमेंट को कंसाइज होने में? कल हमारी लास्ट डेट है, हमने अपना जिन्होंने डाटा पूरा कर लिया भेज दिया, अब सरकार उस डाटे को जारी करके अपना निकालेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्येंद्र जी आपका भी शुक्रिया और वासुदेव देवनानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा का मकसद सिर्फ इतना था कि जो प्रवासी
बाहर से राजस्थान आए हैं और जो बच्चे अब यहाँ पर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लिए सरकार कोई एक ऐसी व्यवस्था करे कि उनको दिक्कतें ना हो। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस तरफ कोई एक कठोर कदम उठाएगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।